नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। लाइट लगाना गुरुजी जी, लाइट लगा ले। तो दोस्तों, अभी हमें जनकर से कॉल आई थी गुरुजी की, सुखदेव गुरुजी की, कि हमारे घर के पास में कोई सांप आया हुआ है, ईंटों की सफाई कर रहे थे वो। तो ये देखिए आपके सामने है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसको हम हिंदी में भारतीय नाग कहते हैं। ये देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक। ये देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा इसको आप डरिए मत। ये देखिए दोस्तों, जल्दी इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, और जिसको हम आम भाषा में नाग कहते हैं, नागराज, जो भोलेनाथ की माला है। बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों ये। जब भी ये काटता है, इसके काटने के बाद हमारे पास 40 से 45 मिनट का समय होता है इलाज का, ट्रीटमेंट का। अगर 45 मिनट में हमें इलाज मिल जाए तो हमारी जान बच जाती है। अगर हमें उस दौरान ट्रीटमेंट ना मिले या हम अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाएं, अंधविश्वास बोले तो तंत्र मंत्र झाड़ फूक, आप बोलिए मत भाई साहब, तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में अगर पड़ जाएं तो 100% जान जानी निश्चित है, जान जानी तय है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को देख के कॉपी ना करें, और मंत्रों के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में, ओझागुणी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा जान जानी तय है। और क्षेत्रवासियों से अपील, अगर किसी को भी स्नेक बाइट होती है तो जल्दी से अपनी नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे, जो खटीमा में इसका जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और प्रयास हॉस्पिटल खटीमा, वहां पर भी जो है इसका स्नेक एंटीवेनम अवेलेबल है। तो चलिए डिब्बा लाइए, इसको पैक करते हैं, थोड़ा आ जाइए, उजाले में आ जाइए। तो दोस्तों, कड़ी मशक्कत के बाद दिखा सकते हैं अभी, इतने रोड़ा पत्थर हटाने के बाद जो है इसको पकड़ने में, इसको रेस्क्यू करने में सफलता मिली। आइए थोड़ा जल्द लाइट में जाइए, लाइट में जाइए। तो दोस्तों, इसकी ज़्यादा एज नहीं है, ये लगभग 3 से 4 वर्ष का सांप है। और कोबरा, जो कोबरा प्रजाति का सांप जो होता है, ये कोबरा जब अंडे से निकलते ही काटने में सक्षम होता है, और जो बच्चा होता है, बच्चे से कटवाने की भी भूल मत करना, जो अंडे से निकलते ही काटने में सक्षम होते हैं, किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं दोस्तों। वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है, आप लोगों को जागरूक करना दोस्तों, अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। चलिए डब्बा आ गया है, महाराज जी को पैक करते हैं। आइए महाराज, डब्बा कुछ बढ़िया नहीं है, साफ साफ। महाराज आइए। तो चलिए, ये देखिए महाराज जी इसमें गुस्से में आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, जो गुस्से में होते महाराज जी। दोस्तों, आप लोगों से अपील, वीडियो देख के कॉपी ना करें। तो सावधानी पूर्वक जो है इसको, कोबरा को रेस्क्यू कर लिया गया है, इसको लेके चलते हैं सीधे नेचुरल एनवायरनमेंट में, प्राकृतिक पर्यावरण में रिलीज करने के लिए। दोस्तों, सांपों को मारे नहीं, ये हमारे पर्यावरण के मित्र हैं दोस्तों, और ये हमारे फसलों की रक्षा करते हैं। चूहों को मारने में, चूहों खाने में बहुत प्राकृतिक योगदान देते हैं दोस्तों ये। तो जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी बेजवानी जानवर तक बचाते हुए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, अभी जो है जनकट सुखदेव गुरुजी के यहाँ से रेस्क्यू करके लाए हैं कोबरा, यहाँ पर हम दोस्तों रिलीज कर देते हैं इस एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में। चलिए महाराज आइए, चलिए आइए, कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दीजिए। ये देखिए, और ये साथियों, ब्लैक कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जाता हुआ अपने एनवायरनमेंट में।
और दोस्तों वो जा चुका अपने एनवायरनमेंट में। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर कभी किसी बेजुबान की जान बचाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों अभी जो है झनकट सुखदेव गुरुजी के यहाँ से रेस्क्यू करके लाए हैं कोबरा। यहाँ पर हम दोस्तों रिलीज कर देते हैं इस एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में। चलिए महाराज आइए, चलिए आइए। कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दीजिए, ये देखिए। और ये साथियों ब्लैक कोबरा, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा जाता हुआ अपने एनवायरनमेंट में। और दोस्तों वो जा चुका अपने एनवायरनमेंट में। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर कभी किसी बेजुबान की जान बचाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।